इसके अंदर हो जाए। भाई कोई सी भी नहीं चल रही, इससे उम्मीद थी मेरे को, बट ये भी बोल करना पड़ेगा विंटर नहीं चल रहा भैया, भूखा ही मरना पड़ेगा आज तो। पर मुझे पता था कि विंटर्स में जो मैं झेल के पिछली बार गया था उससे सिर्फ गाड़ी के अंदर रहना ही बचा सकता है। ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया कुछ कोल्ड स्टार्ट पे इसके पे, तो वह मुश्किलें बढ़ गई हैं अपनी। पीने का पानी जम गया है ये उसमें। आज तक मैं ऐसे फंसा नहीं रहा कभी भी कहीं में। और आज इसने बहुत बुरा धोखा दिया यार, हीटर ने। मुझे लग रहा है कोई आएगा। भाई साहब स्नोफॉल ऑलरेडी गोइंग ऑन एट शिंकुला टॉप। लग रहा है टक्कर आ रहा है, छोटे छोटे से ऑलरेडी हो रहा है। तो भाई जबरदस्त वाला सीन होने वाला है एंड हम लोग जल्दी से चढ़ जाते हैं। इन वाले सेक्शंस में मेरे को इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर लग रही है कंपेयर टू थार जब ऊपर चढ़ते हैं, जबकि मैं इसको लाइक ठीक ठाक तरीके से चला रहा हूँ, ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा कहीं डीपीएफ वगैरह चोक हो जाए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाउन जा रही है, फर्स्ट गियर में लगानी पड़ रही है। बट इन चीज़ों को छोड़ो यार, जो हम करने आए हैं कोल्ड स्टार्ट हमारी इस गाड़ी का बेटर रहना चाहिए। जगह पूरी है, गाड़ी मस्त है और अब तैयार होने के बाद में वेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ये कंपैरिजन छोड़ देते हैं, आज से कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, बहुत कर लिए। मैं इसलिए कर देता हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो चाहते हैं कि भाई 20 लाख 17 लाख खर्च करने से पहले उनको थोड़ा सा यू नो प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगे। बट हो गया, बहुत कर लिया, अब इन्जॉय करते हैं गाड़ियों को। बहुत स्नो ऑलरेडी गिर चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी में बैठ के प्रॉपरली पैक होना पड़ेगा एंड उस पैक होने के बाद में ना फिर उसके बाद में बाहर निकलेंगे। अभी लेयरिंग नहीं कर रखी ढंग से, बट ये है कि अब की बारी जैकेट में मैं देख पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फिट लग रहा हूँ अपने आप को, अच्छा लगता है। एंड जो ये हैबिट्स थोड़ी सी सुधरी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर से बिगड़ गई थी, बट जो सुधरी हैं उनको कोशिश करेंगे कि सुधार के रखें। ऊपर चलते हैं शिंकुला पास पे, देखते हैं पक्का अच्छा सीन बना हुआ होगा। वहाँ पे तो यार कुछ बना हुआ था उस टाइम पे, एक बार चलते हैं कोशिश करते हैं। शिंकुला इज 1 किलोमीटर, यस वो कुछ और सेक्शन था क्योंकि शिंकुला के वहाँ पे मंदिर से बना होता है, वहाँ पे एक स्तूपा बना होता है, तो स्तूपा के वहीं पे रुकेंगे फिर चल के ना। बाकी स्नोफॉल अच्छा होता है जब भी होता है, इधर दिख रहा है जो ये कई दिन पहले का स्नोफॉल है वही अब तक बना हुआ है यहाँ पे। साइड देखो भाई आगे मजा। यार शिंकुला पास एंड प्रेडिक्शन है, थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही है ऑलरेडी, यार ने क्लियर भी कर रखा है। और यार आज मुझे मजा आ रहा है इस गाड़ी में, लाइक इसको देख के तो अलग ही फील आ रही है। बस ये मेहनत सफल करा दे इस ट्रिप पे, पूरी विंटर फिर इसी को रगड़ेंगे। बहुत ही सेक्सी लग रही है इस टाइम पे ये गाड़ी, पर्पसफुल। एंड टेम्परेचर्स आपको मैंने बताए थे -20 के नीचे जा रहे हैं, -26 सॉर्ट ऑफ, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्नो रह जाती है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आइस गंदी हो जाती है वो ब्लैक आइस बन जाती है। तो हम कई बार गलत वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी आइस हो उसको ब्लैक आइस बोलने लगता है, नो, बट ब्लैक आइस ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि उसका पता नहीं लगता। तो मैं अभी अपना सेटअप बस बनाने ही वाला हूँ, और यहाँ पे दिक्कत जो है वो ये है कि
ये कैमरास जो हैं ये इतनी ठंड के लिए बने नहीं हुए हैं, तो मुझे जो लग रहा है ये धोखा देंगे अब, तो फिर वही आईफोन यूज़ करना पड़ेगा एंड हवा चलेगी तो आवाज़ में दिक्कत आएगी उसमें, बट कोई नहीं, इट्स ओके। संतरा खाया जाए भाई एक्सट्रीम ठंड में। भाई बहुत ठंडा संतरा है। मैंने एक्चुअली सब्जियां ना रूफ रैक पे रख दी थी, सब्जियां फ्रूट जो लिए थे, और यहाँ आते आते इतने ठंडे हो गए मैंने उतार लिए, फिर बाद में लाइक बॉयल करके उनको पिघलाना पड़ता है, जो कि कोई बहुत ही सुखदाई चीज नहीं है, काफी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, गैस वेस्ट होती है। तो बैठा हूँ आराम से, आपका जो नया सेटअप है उसके अंदर, और संतरे खा रहा हूँ, एक दो संतरे खाते हैं, फिर नींद आ गई, थोड़ी नींद लेते हैं, खींचम खींच जा रहे हैं तब से, और फिर उसके बाद में उठते हैं, स्नोफॉल देखेंगे, शिंकुला टॉप पे रुके हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं विटामिन सी ले रहा हूँ, कफ वफ ठीक हो जाए। अब दवाइयाँ भी मैंने ली थी, ये रही कफ की, गार्गल एंड ऑल, बट मैं देखा संतरे से अच्छा अच्छा लगता है, मतलब ठीक हो जाता है क्योंकि विटामिन सी होता है उसके अंदर। थोड़ा पानी वानी पियेंगे, और हाइट काफ़ी है यहाँ पे, लोगों को दिक्कत भी होती है। अब की बार मुझे जुकाम है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंजेशन फील हो सकता है। उसके अलावा अभी अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, मैं विंडो बहुत कम क्रैक कर रखी थी, आई ऑलवेज मेक श्योर कि विंडो ओपन रहे थोड़ी सी, जिससे कि हवा का फ्लो बना रहे, बट उतनी वो शायद नहीं थी जितना, क्योंकि पास पे, इन पासिस पे ऑक्सीजन बहुत कम है यार, और इट्स डेडली। सो मुझे लगा एकदम से कि लाइक थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, लाइक मेरी बॉडी मेरे हाथ से निकल रही है, यू नो दिमाग सुन्न होने लगा एकदम से। तो मैंने एकदम से हिम्मत करके ऐसे भाग के, यू नो फटाफट से पानी डाला बॉटल में और पानी पिया। पानी पीना बहुत ज़रूरी है यार। तो साथ साथ में ही मतलब रिकवर हुआ मैं। रनिंग मेरी जो है वो ये है कि पहले तो मैं क्लोदिंग को सेट कर लूँ इस टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, और ये खतरनाक सिद्ध हो सकती है इफ़ आई विल नॉट डू दिस। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, और उसके बाद लगेगा कि कंफर्टेबली गाड़ी में रहने के लिए और कुछ करना है तो फिर और चीज़ें सर्व करेंगे, क्योंकि अंदर बैठे हो तो फिर नहीं, फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू नो खाना बनाना है तो भी सिकुड़ रहे हो, ऐसा नहीं। तो यही कारण है कि अब की बार इस तरह की प्लानिंग करी गई है। कपड़े मैंने कर लिए थे यार, अब उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा अंदर। लेट मी सी कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत है कि नहीं, हीटर वगैरह की नहीं है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर दिक्कत है ना, वो भी है कि हमारे पास में बैटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, दिक्कत ये है। डीजल है, डीजल भर के, मैं वही सोच रहा हूँ, एक बार क्या हुआ था कि बैटरी बैकअप ख़त्म हो गया था, बट उस दिन मेरी गलती भी थी, 60% पर लेके चलोगे तो होगा, बट अभी टाइम बहुत कम हुआ है, 6-7 बजे सोचते हैं लगाने की, अगर लगाना है तो। तूफान ज़बरदस्त चल रहा है बाहर, और अभी ये शुरुआत है, बढ़ेगा ये, घटेगा नहीं। और मैंने जो कपड़े चेंज किए हैं उसके बाद में, आई एम फीलिंग सो मच कम्फर्टेबल यार, सो मच कम्फर्टेबल। मस्त कंबल है ये, उसके साथ में नीचे भी, मैं मुझे पता था कि बहुत ठंड रहेगी ना, तो नीचे भी रुई के गद्दे लगे हुए हैं बढ़िया। इधर की तरफ बाकी और चीज़ें हैं जो यूज़ हो जाती हैं। इधर का थोड़ा मैसी हो गया है, क्योंकि बैग्स मैंने प्रॉपरली लगाए थे, बट रास्ते में 3-4 बार पुलिस चेकिंग थी तो सब हिला दिया उन्होंने। इधर पानी है, इधर हीटर के लिए डीजल है ये जो रखा हुआ है, ऊपर गाड़ी के लिए रखा हुआ है, एंड बर्फ तूफान मचा रही है, देख रहे हो टायर के ऊपर जो साइंस हैं।
अब ग्लव्स भी मेरे को निकालने पड़ेंगे, मेरे पतले वाले ग्लव्स यार मिस हो गए, पतले वाले ग्लव्स खो गए. बट दिस इज हाउ आई एम गोना स्लीप टुडे इन एक्सट्रीम वेदर. उधर देखो यार गजब ढाया हुआ है ये देखो, क्योंकि यार ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना बार बार. तो अगर मान लो हमारी विंडो ओपन है इधर की तरफ आ गया तो पूरी गाड़ी भर जाएगी. यहाँ भी आई हुई है तो मेरे पास में एक्चुअली कुछ सिस्टम है जो मैंने स्पेसिफिकली बनाया था एडवेंचर हट के साथ. तो ये कुछ ब्लाइंड्स हैं, दीज कैन वॉक लाइक वेंटिलेटर्स एज वेल एज शीट्स. तो इनको लगा देते हैं दोनों खिड़कियों पे, जिससे कि यू नो हम हवा भी आने दे सकें और अंदर स्नो भी ज़्यादा आतंक ना मचाए. थोड़ी मोड़ी आएगी चलेगा. सेट. अब जब डायरेक्शन चेंज होगा तब देख लेंगे. इधर मैंने थोड़ा कम खोला है, इधर मैंने थोड़ा ज़्यादा खोला है. वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी भाई, ये मैंने देख लिया सामने ग्लास पे भी. ये शुरुआत है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो गया अभी, नो नथिंग. चलो भाई एक बार देखें जरा. एंड ठंड बहुत ही ज़्यादा है यार, तो एक बार ज़रा ये देखना अपने को कि गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं. बहुत ज्यादा ठंड है. दो तीन बार हीटर लेके देखता हूँ, स्टार्ट करनी बहुत जरूरी है. अब एक घंटे हो जाए ना तो हीटर भी चला देंगे गाड़ी के अंदर, इससे थोड़ा सा हमें निजात मिल जाए इससे ठंड से. तो भाई टॉप टॉर्च की कैंस कभी मत खरीदना, ये नहीं चल रहे इधर भाई, कोई सी भी नहीं चल रही. इससे उम्मीद थी मेरे को, बट ये भी बोल गया. गाड़ी के अंदर है यार, मतलब क्या 0 डिग्री के नीचे ही नहीं चल रहा क्या इनको? -10 के आसपास ही हुआ है टेम्परेचर अभी तो. तो अभी ये कर रही है परेशान ये वाली कैन भी. खाना कैसे बनाए अब? कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी मेरे ख्याल से. यार गैस तो चली नहीं अपनी, वापस पैक कर दी. अब थैंकफुली सब्जियां और जो फ्रूट लिए थे थोड़े मोड़े, वही अभी मैंने ऊपर से नीचे रख लिए थे, तो अभी ये जमे नहीं होंगे तो इनको छील के खा लिया जाए. अब गैस भी ऐसी लेनी पड़ेगी अपने को, लाइक चूल्हा जो -30 झेल सके. मैंने देखे हुए हैं बट आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लाइक इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट. तो रख दिया भाई वापस इसके अंदर. अब क्या करें, अब गाजरें वाजरें खाएंगे और सोएंगे. अभी थोड़ा सा शांत हुआ है मामला. और एक चीज मेरे समझ में नहीं आई यार, कि गाड़ी में ना कहीं से स्नो घुसी है यार, कोने में से. कहां से हो सकती है? डोर बीडिंग में से या कहीं से भी, मतलब है कुछ छोटा सा. लगा दिया है हीटर, बिना कोई भी इक्विपमेंट चल नहीं पा रहा है. एंड मैंने शक्ल नहीं रखी है और फसल पर भाई शक्ल हो रखी है ऐसी. अब जरा अंदर का एक बार इक्विपमेंट गर्म हो जाए, देन फिर कुछ बनाएंगे यार. हाथ डीजल के होंगे, बर्फ में वॉश करने पड़ेंगे. अभी पानी गर्म करूँगा जब
जैसे क्लब में से निकाल रहा हूँ, जमने को जा रहा है। हीटर अलग ड्रामे कर रहा, दो तीन बार ट्राई कर लिया, अगर ये आ जाए अंदर तो उसके बाद फिर कुछ खा पी सकते हैं। अंदर स्नो भी आ गई, गेट खोलते ही इतनी नहीं है, पिघल जाएगी और गीला हो जाएगा सब कुछ। मूंगफली खा के रात काटनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टोव का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वे स्टोव ने धोखा दे ही दिया की बार, एंड मैं भी बहुत देर से ठंड में मर रहा था, बार बंद हो गया हीटर फिर से, हीटर नहीं चल रहा भैया, भूखा ही मरना पड़ेगा आज तो। थैंकफुली टेंट में नहीं सोना, गाड़ी में सोना, किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे कपड़े वपड़े पहन के, बट दिस अ वेरी वेरी बैड न्यूज यार, वेरी बैड न्यूज। हीटर नहीं चला, बैटरी भी 20% खत्म कर दी इसकी, ये भी शायद वीक हो गया है कोल्ड में। फोन वोन चार्ज कर लेते हैं बस इससे। We are not ready for this section. ठंडाई पानी पीना पड़ेगा, एंड जो ठंड लग रही है वो अलग है। वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां भी थोड़ी थोड़ी खुली छोड़नी पड़ेंगी, जिंदा रहना है तो यहाँ पे, एंड मे भी रात को स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल भी होगा तो ठीक है, सुबह एक्शन पैक ड्राइव रहेगी। बट जो मेन मुद्दा है ना, मेन मुद्दा ये है कि हीटर नहीं चल रहा भैया, सो नाइदर वी कैन स्टार्ट द व्हीकल, अगर इसको कोई दिक्कत फेस होती है तो। बट मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हम थार में नहीं आए हुए टेंट लगा के, क्योंकि टेंट में मौत है भाई, मौत इस टाइम पे, क्रेजी कोल्ड यार। अभी बजे हैं सिर्फ 8 और अभी इतनी ठंड है, हीटर का धोखा यार, बहुत ज्यादा पेन दे रहा है इस टाइम पे। एंड सोने की रोटेशन भी नहीं बन रही। अब जब मैं दिन में इधर की तरफ लेटा था ना, तो मुझे दिक्कत सी हुई थी वो वाले ऑक्सीजन वाले, पर दिक्कत क्या कि गाड़ी का स्लोप जो है इधर की तरफ है, तो सिर उधर करूँगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। फिर जो थोड़ी सी हीट इकट्ठी होती है, मैंने स्लीपिंग बैग भी खोल लिया है, तो वो वेस्ट हो जा रही है हिलने से बार बार। सील रख नहीं सकते गाड़ी को, हीटर चल रहा होता ना तो पिकनिक फील होती है अंदर। और अब इस टाइम पे सुबह करनी भारी हो जाएगी, खाना भी नहीं खा पाया यार, गैस भी नहीं जली। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कारण क्या हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर्स तो इससे भी नीचे रहे हैं। मर गिर के हमने जला भी ली थी गैस, और ऐसा भी नहीं था कि ये सिलेंडर्स कई दिन से थे, मैं सीधा कल चला हूँ आज यहाँ रुक गया हूँ विद इन 24 आवर्स। वहाँ पे ना शिंकुला पे, वाई दिस इज़ फेमस, क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत स्ट्रगल करती हैं, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लाइक होश शक हो गया था मेरा, एंड आई वॉज लाइक अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, एकदम से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने हिम्मत जुटा के फिर पानी, मोटर से पानी भरा और पिया फटाफट से। पानी पीने के बाद थोड़ी सी लाइफ वापस आई बॉडी में। हीटर का ये था कि लाइक बाहर रखा हुआ चलता रहता, मैं बाहर भी इसीलिए रखता हूँ उसको कि क्योंकि वो फ्रेश एयर को गर्म करके भेजता है। फिर अंदर मैं इसलिए नहीं रखना चाहता था, बल्कि अंदर अगर फिट करा दिया जाए तो उसका डीजल कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको एयर को रिसर्कुलेट ज़्यादा करना रहता है। तो अगर हम इस तरह से विंडोज़ खोल दें और फिर रिसर्कुलेशन में भी चलाएं, तो इट कैन बी अ वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस। बट आज तो
और एक मैं फिर इस हीटर के चक्कर में लगभग 1 घंटे बाहर खड़ा रहा, गाड़ी में बर्फ भर गई, अब तक भी ये पड़ी हुई है इधर। और मैं एक बार तो हाथ ऐसे हो गए थे कि फिर मैंने फटाफट ग्लव्स ढूंढे, अच्छे खासे ग्लव्स को डीजल में करना पड़ गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट जो प्लानिंग थी ना इस गाड़ी की, जो रूफ की हाइट है उसको यूटिलाइज करने की, वो सक्सेसफुल हो गई। यानी तो देर वॉज नो चांस कि आज यहाँ पे किसी तरह से सर्वाइव किया जा सकता था। तो अब एक तो ये कंबल है, अच्छा मोटा है, और उसके नीचे ये स्लीपिंग बैग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा पता नहीं, उस बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आई डोंट नो कितना नुकसान होगा उनको हीटर ना चलने की वजह से। एक्सट्रीम कोल्ड में परमानेंट डैमेज हो जाता है बैटरीज को, तो ये चक्कर चल रहा है। अब मैं ज़रा एक बार ओरिएंटेशन ठीक कर लूँ, क्योंकि इस तरह से तो सोया नहीं जाएगा। बैटरी बैकअप वगैरह जो है हमारा वो ड्रेन होता जा रहा है रखे रखे ही, ऑलरेडी ये 70s में पहुँच चुका है 100% से रखे रखे। उसके अलावा अपनी ये नहीं चल रहे हैं ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स, भूखा सोना पड़ रहा है आज, एक गाजर खाई थी बस। और उसके अलावा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना पड़ रहा है। बस ये है कि जो प्लानिंग करी गई थी इस गाड़ी के साथ में कि भाई हम इसमें अंदर रहेंगे रादर देन टेंट वेंट लगाएंगे इसके ऊपर। ये टेंट ठीक है, टेंट तब चाहिए होता है जब आप, तो टेंट की नीड जब होती है जब आपकी गाड़ी में आप मैनेज ना कर सको, क्योंकि एक मेटल स्ट्रक्चर विद इंसुलेशन इज वे बेटर देन एक कपड़े का परत, राइट। एक्सट्रीम वेदर में, अच्छे वेदर में टेंट ऑसम होता है क्योंकि वेंटिलेशन बहुत होती है, आपको जगह बहुत मिलती है। पर मुझे पता था कि विंटर्स में जो मैं झेल के पिछली बार गया था उससे सिर्फ गाड़ी के अंदर रहना ही बचा सकता है। बट क्या था, मैंने सोचा कि ये छोटी सी ट्रिप रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। हीटर ने जो धोखा दिया यार, आई कांट इमेजिन। सुबह के 2:28 और स्ट्रगल ही चल रहा है अभी तो, पर सब गाड़ी नहीं हो रही स्टार्ट। चली गई तो और कहीं के नहीं रहेंगे। पूरे पास यार, ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया कुछ कोल्ड स्टार्ट पे इसके पे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई मुश्किलें बढ़ गई हैं अपनी, पीने का पानी जम गया है, उसके साथ में रात को थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन का इश्यू फील हो रहा था, तो ये भी कई बार लेनी पड़ी। सिर में दर्द मतलब होता है तो मैं ले लेता था बार बार, हाँ, जिससे कि कोई लफड़ा ना हो। उसके अलावा चल कुछ भी नहीं रहा, फ़ोन को मैं अपनी पॉकेट में डाल के अंदर डाल लिया था मैंने, तो उसने लाइक कभी अपनी बैटरी होल्ड करी हुई है। उसके अलावा जो ब्यूटेन के सिलेंडर्स हैं वो भी नहीं चल रहे, इसको तो मैंने सारी रात अब अपने इसमें स्लीपिंग बैग में डाल के रखा है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद भी नहीं चल रहा। अब या तो ये ऑक्सीजन की कमी है या क्या है, बट भाई परेशानी बहुत हो गई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने सोचा था कि रात को एक बार ही स्टार्ट कर दूं जिससे कि सुबह ज़्यादा दिक्कत ना आए, ये रात को ही स्टार्ट नहीं हुई। और मेरे को लगा बैटरी भी थोड़ा सा वीक फील हुई थी जो 3-4 अटेम्प्ट किए थे उनके अंदर। अब ये भी नहीं पता स्नोफॉल हुआ है और इस रास्ते पे कोई आएगा कि नहीं आएगा आज। और यार खाना भी कुछ नहीं है ना, अब जल कुछ नहीं रहा तो बना भी कुछ नहीं सकते, स्टोव चल नहीं रहा, थोड़ी परेशानी तो बढ़ गई है। बाहर का ये माहौल है, तो ये हो गया माहौल अभी, और मुझे लग नहीं रहा सब मौसम खुलेगा। दिक्कत जो भयंकर हो रही है ना इस टाइम पे वो ये है कि मुझे लग नहीं रहा कोई आएगा इधर, और गाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी रही, हीटर भी नहीं चल रहा। ये
चौथी बार हीटर ले रहा हूँ, फिर पांचवी बार लूँगा। यार इधर विश की ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है अदरवाइज, क्योंकि ये मौसम ख़राब है और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अब सूरज देवता से ही उम्मीदें हैं भाई थोड़ी सी, क्योंकि एक बार ये चमक गए ना एक डेढ़ घंटे ढंग से तो हमारा काम बन सकता है। और इधर की तरफ मौसम ख़राब हो रहा है यार दूसरी तरफ, तो थोड़ा शक भी है मेरे को इसको लेके, क्योंकि आज काफ़ी स्ट्रांग सीन है स्नोफॉल का ऊपर, और शिंकुला टॉप तो यार क्रेजी ठंड होनी ही होनी है। तो जो मेरा चक्कर है अब की बार वो ये है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि -25 तक हमें कोई मेजर इशू नहीं आना चाहिए, जैसा अब तक हम लोगों ने देखा था सोशल मीडिया पे। और यही रीज़न था मैंने ये गाड़ी भी ली थी कि विंटर में थोड़ा बेटर हेल्प करे, पर करा भी इसने एक सेंस में, क्योंकि सबसे बड़ी बात टेंट नहीं झेल सकता था ये वाली जगह, मर जाता मैं। तो गाड़ी के अंदर कम से कम बचे रहे, बाहर मान लो -25 है तो अंदर -8 -9 ही हुआ होगा, तो स्लीपिंग बैग और एक अच्छा ब्लैंकेट में घुस के रात तो कट गई। अब जो दूसरा इम्पैक्ट आया ना वो आया डीजल हीटर का। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जैसा मैंने देखा कि जो भी चीज़ रिलेटेड टू फ्लेम है ना, जैसे आप लगा लो ब्यूटेन लाइटर लगा लो या ब्यूटेन स्टोव लगा लो या फिर गाड़ी का क्रैंकिंग लगा लो या फिर डीजल हीटर का स्टार्टअप लगा लो, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब क्या रीज़न है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे सिर में दर्द था सारी रात, पानी की कमी तो थी, डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा था, क्योंकि वो 20 लीटर वाली बॉटल भी पूरी जम चुकी है इस टाइम पे। तो मैंने किसी तरह से उसके अंदर से सक करके थोड़ा सा पानी पिया था। हर चीज़ कुछ सिखाती है, ये चीज़ कुछ सिखाएगी अब की बार। तो मुझे जो लग रहा है ना, अब जैसे सूरज निकलने का मुझे वेट करना चाहिए था जितना भी निकले, क्योंकि अगर 5-7 डिग्री टेम्परेचर भी गिर उठे मतलब, तो स्टार्टिंग का बेटर चांस था अपने पास। तो मैं क्रैंकिंग जो अपनी वोल्टेज थी वो वेस्ट कर चुका हूँ बैटरी की भी। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी आए और मैं जंप स्टार्ट करूँ उसके साथ में लग के, तब तक थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और फिर से ट्राई करते हैं यार, बैटरी बहुत वीक हो चुकी होगी अब तक, आई डोंट नो क्रैंक भी करेगी कि नहीं। अब शायद कई दिन यही बिताने पड़ेंगे। मैंने बोला भी था यार फोर्स मोटर्स की सर्विस सेंटर पे, मैंने बोला भी था कि एक बैटरी और कनेक्ट कर देते हैं, गाड़ी के अंदर रख देंगे, गाड़ी को सपोर्ट मिली रहेगी। वो यार वैल्यू ही नहीं समझते जो मैं करना चाह रहा था इस गाड़ी के लिए, बस उनको तो शायद यही चाहिए था। मैंने थार के बाद गुरखा ले ली थी तो उसकी डींगे हाँक देता मैं बस, और बहुत से लोग खरीद लेते, पर भाई कोई सपोर्ट नहीं है इनकी तरफ से कुछ खास ना इस चीज़ में कि कोई बंदा अपनी जान जोखिम में डाल के खर्चे करके कुछ ऐसा करना चाह रहा है आपकी गाड़ी से जो कि लोग याद रखें। तो इनको तो भाई बस मुझे लग रहा है ऐसे बंदे चाहिए जो बस ये कहते रहे जी बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए गाड़ी आज तक वहीं पर पड़ी हुई है, सेल्स नंबर्स कुछ नहीं है। हाँ ये हो सकता है अभी जैसे काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करी तो थोड़ी सेल्स बढ़ गई होंगी, ये उतने में ही कूदने लगे होंगे, बट इनके अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है। अब मैं बात कर रहा था इनमें एक सीनियर बंदे से, सो आई वाज प्लानिंग दिस ट्रिप कि भाई मुझे ये चीज़ें बात करनी है टेक्निकल, तो ही टोल्ड मी कि कल हम बात करेंगे एक सीनियर टेक्निकल बंदे से, और उसके बाद भाई साहब ने फ़ोन ही नहीं उठाए मेरे। आज तक मैं ऐसे फंसा नहीं था कभी भी कहीं भी। लग रहा सूरज देवता की थोड़ी मेहर हो सकती है अपने ऊपर, थोड़ा सा मौसम गर्म किया है धूप ने, हवा बहुत तेज है इधर, और मैं खड़ा भी ऐसी जगह हो गया जहाँ पे हल्का सा भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे
थोड़ा सा गाड़ी को सपोर्ट मिल सकता है। डीजल वैक्सिंग हो रखी है इस टाइम पे, तो सूरज का होना बहुत ज़रूरी है अभी काफ़ी देर तक। तो अभी 10:00 हुए, एक बार थोड़ा 11:30 तक भी अगर धूप ठीक ठाक रहे ना तो देयर आर चांसेस कि हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। मुद्दा वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज कोई आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि नीचे से बंद कर दिया हुआ रास्ता स्नो फॉल के बाद में। हम तो हैं ही उल्टे दिमाग के। और इकलौता ये फ़ोन ही थोड़ा सा झटका झेल पा रहा है। ये क्या है ना, ऐसे चीन के अंदर जमा तो नहीं होना चाहिए, बट ये है कि हार्डनेस से पता लगता है कि थोड़ा अभी सॉफ्ट हो रहे हैं, तो देर आर चांसेस। और आज इसने बहुत बुरा धोखा दिया यार, हीटर ने लाइक लंका लगा दी इसने आज पूरे प्लान की। और अगर हमारा थोड़ा गाड़ी का फेस इधर होता ना तो और ज़्यादा हेल्प मिल सकती थी। ओह ठंड तो बहुत है।